ओके ओके बोथ साहब की स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से। ओके फर्स्ट है डेफिनेशन बिजनेस। अच्छा तो बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस उर्दू में क्या कहते हैं? कारोबार, तिजारत, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस करते क्यों है? पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, लेकिन लॉस भी हो जाता है। अच्छा, प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं आप? कौन कौन से कारोबार बिजनेस कर सकते हैं? सर्विस वाले, सर्विस प्रोवाइडर बन जाए। अच्छा जी, सर्विस प्रोवाइडर हो गए। और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होती है? माल खरीदा और बेचा, खरीदना बेचना, ट्रेडिंग हो गई। और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें और सेल करते हैं। रिटेलर है, वो ट्रेडिंग में आ जाएगा, होलसेलर देना चाहिए। अच्छा, और कोई ऑप्शन? मर्चेंडाइजिंग, इसमें क्या होता है? वो खरीदे और बेचें, सही है, उसको हम ट्रेडिंग भी कहते हैं। सही, कोई भी चीज आप बाय करें और एज इट इज बेच। अच्छा, और कोई ऑप्शन होता है? अच्छा, सर्विस में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर क्या बेचते हैं? ठीक है, अलावा दो तीन वकील होता हूँ, वकील हो गया, अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट हो गए। और इसके हट के जरा बात करें, हाँ बाइक किया किसमें आएगा? करीम ड्राइव, ये सर्विस में आ जाता है ना, सर्विस प्रोवाइडर में आ गए। अच्छा जी, अमेजोन, दराज, ये सब क्या है? सर फूड पांडा, सब क्या है? सर्विस प्रोवाइडर हो गए। इन इन ड्राइव, ड्राइव कर रहे हैं, हाँ ये सब क्या है? सर्विस प्रोवाइडर हो गए। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज ऐसे बता दूं आपको, देखें डॉक्टर हो गए, जैसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, तो ये बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आते, ये बिजनेस नहीं होते। ठीक है, वो अलग बात है कि हमने उसको बिजनेस बना लिया है, लेकिन ये बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आते। डॉक्टर किस लिए बनते हैं? पैसा कमाने के लिए, वो अलग बात है, कमा रहे हैं, लेकिन ये पर्पस नहीं होता। ठीक है, पर्पस नहीं है। तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल याद रखिएगा, बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आते, वो अलग बात है कि हमने उसको बिजनेस आज के दौर में बना लिया। जिसके पास पैसा आ जाता है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोल के बैठ जाता है और नोट छापना शुरू कर, लेकिन ये बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आता। अच्छा जी, तो ये हो गया बिजनेस कारोबार। और बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो उसको आप डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? क्या इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो भी काम किया जाए वो बिजनेस कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है, एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक, अच्छा लीगल होना जरूरी है क्या? और इलीगल एक्टिविटी हो बिजनेस वो भी बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन वो बिजनेस नहीं है, इलीगल है ना, तो लीगल होना जरूरी है। इलीगल तरीके से कमाएंगे तो बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं है, वो क्राइम में चला जाता है। जैसे आप स्मगलिंग करते हैं अगर किसी चीज की, तो स्मगलिंग इलीगल है, इलीगल है, इलीगल इलीगल है ना। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन काम तो इलीगल है ना, कभी भी आप पकड़े जा सकते हैं। तो वो इलीगल जो एक्टिविटीज हैं वो बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आती, फिर वो क्राइम, वो अलग बात है कि प्रॉफिट उसमें ज्यादा नहीं। तो वो लीगल होना जरूरी है बिजनेस के लिए, एक्टिविटी का लीगल होना। और अभी हमने बात की कि एक्टिविटीज क्या हो सकती है हमारी, ये सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, और ट्रेडिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है ना, इसको लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग हो गई, ट्रेडिंग क्या होती है? सेलिंग एंड बाइंग गुड्स ऑन डेली बेसिस। ठीक है, कि आप एक गुड्स बाय करें, कोई भी प्रोडक्ट बाय करें और उसको एज इट इज बेच दें, तो वो कहलाएगी ट्रेडिंग। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकती है? ट्रेडिंग में कौन कौन से बिजनेस आ जाते हैं? जैसे मोबाइल शॉप है, ट्रेडिंग बिजनेस होगा। ट्रेडिंग है कि आपने मोबाइल्स बाय किए और एज इट इज बेच दिए, तो ये क्या है? ट्रेडिंग कहलाएगी।
शोरूम हो गया, न्यू एडमिशन, क्या टाइम बताए? क्लास का टाइम क्या था? कहाँ रह गए? लेट सोया था, लेट सोया था, कंटिन्यू रात में लेट सोए थे तो लेट उठे। सोया। आज फिलहाल अलाउ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम पहले से। अच्छा टाइमिंग का भी बता दूँ, टाइमिंग का ये कि 10 बजे क्लास है आपकी, 15 मिनट्स तक अगर लेट होंगे तो मैं अलाउ कर दूंगा, 15 मिनट्स से ज्यादा लेट हुआ तो फिर आपको अलाउ नहीं करूंगा, फिर आप आएंगे ब्रेक के बाद, ठीक है? इस चीज का ख्याल रखिएगा। फिलहाल चलें, अभी पहली क्लास है। अच्छा तो मोबाइल आपका किस में आ गया? ट्रेडिंग बिजनेस में आएगा, मोबाइल शॉप। तो मोबाइल तो आपने बाय किया और एज इट इज बेच दिया, और क्या हो सकता है? शोरूम जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है, आपने कार्स बाय की और एज इट इज बेच दी, वो भी ट्रेडिंग है। और बुक शॉप हो सकती है, बुक्स आपने बाय की एज इट इज सेल कर दी, फर्नीचर शॉप, कंप्यूटर शॉप, हाँ हर वो काम जिसमें तैयार प्रोडक्ट खरीदें और बेच दें वो ट्रेडिंग कहलाएगी, ठीक। अब जैसे एक जनरल स्टोर होता है वो किसमें आएगा? जनरल स्टोर, दाल चावल की दुकान, वो ट्रेडिंग भी में ट्रेडिंग है। मेडिकल स्टोर, वो भी ट्रेडिंग है। ये सब ट्रेडिंग में आएगा, एक तैयार प्रोडक्ट खरीदे और एज इट इज बेच दे, तो वो कहलाएगी ट्रेडिंग। कुछ कह रहे? हाँ, जिसको पंसारी दुकान भी पहले कहते हैं, पुराना नाम था परचून की दुकान, पंसारी की दुकान, आइटम क्या नहीं वो कौन सा बनाते हैं? ट्रेडिंग वो तो अलग है ना, जड़ी बूटी वाला। हाँ क्योंकि एक होता है पंसारी, ठीक है बिल्कुल। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी? क्या भाई? हाँ कोई भी आप रॉ मटेरियल खरीदें, रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाएं और उसको फिर बेच, तो वो कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है ना? मोबाइल हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर हो गया, कोई भी प्रोडक्ट, हर चीज, कपड़े हो गए, सब मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदा, उससे आपने गुड्स तैयार किए और बेच, किसी में आ जाएगी, इसी में आएगा। पुराना सामान का माल, प्लास्टिक लिया जैसे आपने, उसको मेल्ट किया, एक प्रोडक्ट बना के भेज दिया, क्या किया? क्या मतलब एग्जाम्पल दो। नॉर्मली तो ये होता है ना, रिसाइकल के पुराना माल लेके उसको फिर उसी से नया बना के भेज दिया। तो हाँ एग्जाम्पल। लोग से देखिए जैसे प्लास्टिक होता है, पुराना प्लास्टिक लिया आपने, उसको मेल्ट किया, कोई आइटम बना के बेच दिया, तो लो क्वालिटी आइटम होता है वो, होता है ना, सस्ता भी मिलता। रिसाइकल आइटम तो सस्ता ही होता है नॉर्मल, और कोई लोहा तो सस्ता नहीं होता, वो तो वो ही रहता है, उसमें तो फर्क ही नहीं आता, नया पुराना देख जैसे ये लो और इससे तो, भी रॉ मटेरियल होता है, लेकिन लेकिन फर्क होता है नया उसमें, प्राइस में फर्क होता है, नया मटेरियल से बना हुआ रिसाइकल बना हुआ फर्क होता है प्राइस का। क्या लोहा ऊपर जो है पेपर चीज? जो है पेपर, जो हमारे ही पेपर, ठीक है रिसाइकल। होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो कब खराब नहीं होता कभी। कॉस्टली पड़ता है, हाँ रिसाइकल सस्ता पड़ता है। अच्छा अच्छा तो सस्ता पड़ता है, हाँ कौन है? हाँ वहीं से आता है थारा, उसकी जो जहाज की बॉडी होती है पूरी कट के, उसी से फिर वो आगे तो बिल्कुल, वो तो रिसाइकल होता है सारा, उससे बनती है बिल्कुल, वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए, जो बॉडी कट के आ रही है उससे आप फिर कुछ उसको मेल्ट करके या जो भी करके बनाएंगे ना, कुछ कुछ बनेगा ना, उससे प्रोडक्ट बनेगी। अच्छा ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद सर्विसेस पे आ जाए, सर्विस या सर्विस प्रोवाइडर, ये लिख लें।
इसमें और कौन हो सकता है, जैसे हेयर ड्रेसिंग हो गई, ठीक है, ये सर्विस में आएगा। कंप्यूटर टेक्नीशियन हो गया, और कौन हो सकता है? डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर बिजनेस में नहीं आता ना, स्कूल कॉलेज को सबको छोड़ना, ये बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आता। वैसे तो सर्विस दे रहे हैं लेकिन ये बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आते ना, मैंने इसके हट गए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल से हटकर बात। फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी, ठीक है, और वेटर, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हो गई, पॉलिटिशियन, कहाँ से सर्विस दे रहे हैं, लूट रहे हैं, छोटे जरा पीछे आता है ना। और मैकेनिक होता है, कार मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक, ये कौन है? सर्विस प्रोवाइडर है। और एक ब्यूटी पार्लर होता है, यस, ठीक है, वहां तो बल्कि उसको तो सर्विस नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कहना चाहिए। इनपुट कुछ होता है, आउटपुट कुछ और ही होता है वहां। बाकी जेंट्स तो जैसे जाते हैं वैसे ही निकल कर आ जाते हैं, ऐसे ही है, चले जाते आप भाइयों क्यों जाते हैं का ख्याल रखने, भाइयों का ख्याल रखना, समझा? प्यार मिलेगा। हाँ, उनको रोजगार मिल जाए तो खास, तो नाई को तो रोजगार मिल जाए जरा, इसलिए चले जाते हैं। मस्ती वैसी शर्म आती है, क्योंकि वो तो बॉयज तो जैसे जाते हैं वैसे ही निकल के आ जाते हैं। गलत बात है, क्यों आप क्या करवाते हैं? 4-5 बजे 4-5 महीने बाद जाए तो फिर तो फर्क पड़ेगा ना, 4-5 महीने होता फिर जंगली बन जाएंगे ना, तो वो निकलेंगे तो फिर फर्क आएगा। सही, गर्ल्स अगर 4-5 मिनट के लिए भी चली जाए तो काफी चेंज आ जाए। हंस ले, नहीं मारेंगे हंस, अरे डर रहे हैं, यहाँ से कोई सैंडल वैंडल ना। बस वो दौर गुजर गया ना, अब तो सैंडल का पड़ती हैं, बर्ड है वो। बढ़ रहा है, ज्यादा पड़ती हैं, एक्सपीरियंस है आपको। अच्छा, दूसरों का एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है, अच्छा ट्रेंड मतलब बढ़ता जा रहा है सैंडल मारने में, अच्छा चले। अच्छा कॉपी कर दिया हूँ, ओके। इसके बाद आ जाए, अच्छा ये तो हो गए ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। अच्छा ट्रेडिंग बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस प्रोवाइडर, अकेले बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों है फुल प्रोवाइड क्यों अकेले क्यों नहीं कर सकते? ये इसी की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नीशियन, आप अकेले तो बिजनेस कर सकते हैं या नहीं? नहीं। एक दुकान ले और बैठिए, कंप्यूटर ठीक करें बैठिए, एक मोबाइल रिपेयरिंग है, एक दुकान लेके बैठिए मोबाइल रिपेयर करते रहे, अकेले कर सकते हैं या नहीं? फिर आप रिपेयरिंग बिजनेस क्यों करेंगे? तो आता क्या बात, वो के लिए तो नहीं आती किसी और से करवा लेंगे फिर, लेकिन होगी, खुद ही पड़ेगी। अकेले कर सकते हैं ना, ये हो सकता है ना, पॉसिबल है या नहीं ये बात करें, पॉसिबल है पॉसिबल, पॉसिबल है। जो हेयर ड्रेसिंग है, अकेले दुकान खोल सकते हैं, एक नाई भी तो होता है, अकेले कर सकते हैं जी, लड़के कर लेते हैं। अच्छा अब जैसे मोबाइल शॉप है, अकेले खोल सकते हैं या नहीं? मोबाइल शॉप तो अकेले खोल सकते हैं, कंप्यूटर शॉप, मोबाइल हो गई, फर्नीचर शॉप, शोरूम अकेले खोल सकते हैं? वो अलग बात है, तो अकेले आप कर सकते हैं ना बिजनेस, ठीक है। एक जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, अकेले खोल सकते हैं या नहीं? खोल सकते हैं बिल्कुल, नहीं सर जनरल स्टोर जरूरी नहीं है कि तो मतलब इसी के लिए आप ऑनलाइन भी कर ऑनलाइन भी खोल सकते सकते हैं, हाँ ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सर फिजिकली पॉसिबल तो है ना, हैं। पॉसिबल तो है। अच्छा इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? मिलकर बिजनेस कर लें, 2-3 लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक। और थर्ड ऑप्शन, कंपनी कंपनी खोल लें, कंपनी हो सकती है, कंपनी क्या होती है, गियर्स कंपनी वगैरह होते हैं। अच्छा तो अब ये लिखे हैं, बिजनेस क्लासिफिकेशन कह लें या बिजनेस एंटिटीज, या इसको कहेंगे टाइप्स ऑफ ओनरशिप। तो सिंगल ओनर बिजनेस भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ओनर भी
बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो अगर सिंगल ओनर बिजनेस है तो उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल ओनर बिजनेस। ठीक, सेकेंड ऑप्शन क्या है? पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा? दो या दो से ज्यादा ओनर होंगे और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स या ओनर्स हो सकते। और थर्ड ऑप्शन कंपनी, या जैसे आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा, आप खैर आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में सब चीजें। नाम तो खैर आपने सुना ही होगा ना, कंपनी का, स्टॉक एक्सचेंज का, शेयर्स का। क्या टाइम हो रहा है? क्या था क्लास का टाइम? क्या था फिर इतना लेट? अरे भाई नहीं बढ़े, चलना बट नेक्स्ट टाइम खा लगेगा। ओके, अच्छा इसको पढ़ेंगे डिटेल में आगे चीजें। जो है बाकी कंपनी का नाम आपने सुना है, स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, शेयर्स का पता है आपको, सब चीजें होती है ना, तो सब आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, इसकी फर्दर दो टाइप्स होती है, वो पता है किसी को? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की फर्दर दो टाइप्स, और पब्लिक लिमिटेड। हाँ ठीक, एक होती है पब्लिक लिमिटेड और दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कॉपी कर लें। ठीक टोल कहाँ से आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। जी कॉपी कर रही हो? ओके, अच्छा ये बताएं कि अब किसी भी टाइप का बिजनेस हो आपका, किसी भी टाइप की ओनरशिप हो, एक बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी इनिशियल आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? बेसिक रिक्वायरमेंट कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? सरमाया। सरमाया क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है?
पैसा, जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं उसे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट कैपिटल या सरमाया। ठीक, तो कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पैसा चाहिए, जिसको आप सरमाया भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। अच्छा, वो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? आप खुद करेंगे, ओनर खुद इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट सारे पार्टनर मिलकर करेंगे। ठीक है, और अगर आपने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बना रहे हैं तो शेयर बेचेंगे। हाँ, फिर आपने सुना होगा कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, इश्यू करती है, पब्लिक शेयर्स बाय करती है, तो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है जिससे वो कंपनी स्टार्ट होती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में क्या डिफरेंस होता है? पब्लिक में, अच्छा, जो कंपनी के शेयर ओनर्स होते हैं ना, कंपनी के ओनर्स, उन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। क्या होते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? पब्लिक में, प्राइवेट प्राइवेट में, लिमिटेड वाले मैक्सिमम 50। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अब ये बता दूं थोड़ा सा। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट में, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, ये अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल कर सकती है, मतलब कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, और इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनकी कोई लिमिट, मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, ये जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स नहीं बेच सकती, सेल नहीं कर सकती, और इसके जो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हैं वो होंगे 50, मैक्सिमम 50 होता है, उससे ज्यादा नहीं होते, और हर कोई इनके शेयर्स नहीं खरीद। मिनिमम तो वो देखें, वो डिपेंड करता है हर कंट्री पे, 1 भी हो सकता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो 5 होते हैं। ठीक है, हाँ, जब वो बताओ कंट्री वाइज इस पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान की बात करें तो इसमें मिनिमम 7 होंगे पब्लिक में, प्राइवेट में मिनिमम 5 होते हैं। अगर यूके की बात करें तो वहां मिनिमम 1 भी हो सकता है, तो उसको तो आप ठीक वो हाँ पब्लिक चलती है जो स्टॉक है, जो स्टॉक हाँ स्टॉक में तो वही होती है ना, प्राइवेट वाले तो स्टॉक एक्सचेंज से दूर इशू कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो जनरल पब्लिक को दे नहीं सकते ना अपने शेयर, तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में तो सिर्फ यही होती है, पब्लिक प्राइवेट नहीं होती। एक तो मशहूर नाम की बड़ी कंपनी को तो बताता है जी प्राइवेट लोगों हाँ, अपनी मर्जी के कह सकते। ठीक है, जैसे कहते हैं कि आपने कोई 8-10 आप फ्रेंड्स हैं या कजन्स हैं, 10 बार आप कजन मिल गए, दोस्त मिल गए, तो आप लोग मिलके अगर एक बिजनेस करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ हम जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं वही इसके इसको चलाएं, वही इसके ओनर, तो बाहर से कोई इसमें ना आए, तो आप बनाएंगे प्राइवेट लिमिटेड कम। तो नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड नॉर्मली वही लोग बनाते हैं जिन्हें अपना फैमिली बिजनेस रखना होता है। ठीक है, और जिनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं वो फिर बनाते हैं पब्लिक लिमिटेड कम। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड फर्क से बहुत सारे, एक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क भी आ जाता है, और अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्क आता है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्क आता है, डिफरेंस है इनमें। हाँ, वो सब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। हाँ, सुनने में सेम है, जैसे भी इसमें मैक्सिमम 20 है, ये भी नॉर्मली कौन होंगे, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स होंगे वही बनाएंगे, और इसमें भी तकरीबन 50 तक ही होते हैं, तो ये भी नॉर्मली जो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले होते हैं वही बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड। पार्टनरशिप और मैक्स प्राइवेट हाँ, इसमें 20 मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम 50 होते हैं, तो नॉर्मली जो पार्टनरशिप है और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं ये वही लोग बनाते हैं नॉर्मली, वैसे तो कोई भी बना सकता है जिन्हें अपना एक फैमिली बिजनेस रखना होता है ना, फ्रेंड्स एंड फैमिली की, जो लिमिटेड लोग हैं तो वही उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही इसके ओनर, और हर कोई इसमें इन्वेस्ट ना कर सके, हर कोई ओनर ना बने, तो वही लोग बनाते हैं। बाकी डिफरेंस इसमें काफी होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस होते हैं इसमें। ये सारे डिटेल्स हम पढ़ेंगे आगे चल के, पढ़ते रहेंगे। देखने में जैसा लग रहा है कि यहाँ 20 है, यहाँ भी 50 है, लेकिन बाकी इसमें डिफरेंस काफी होते हैं प्राइवेट तक। और ये तो पब्लिक लिमिटेड होती है, इनमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, और इसलिए ज्यादातर जो बड़ी कंपनीज है वो सब क्या है, पब्लिक लिमिटेड है, क्योंकि इसमें आपके शेयर होल्डर्स
नहीं है तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी अनलिमिटेड होगी, तो कंपनी भी आपकी अनलिमिटेड ग्रो करती है। और यहाँ पर क्या है, लिमिटेड ओनर्स हैं, यहाँ पे लिमिटेड होंगे तो ये बिजनेस भी लिमिट तक ही आपका चल रहा है। आप कुछ कह रहे थे, बीच फर्क का डिफरेंस क्या? हाँ डिफरेंस तो खैर कई होते हैं, सब में डिफरेंस काफी है, सब आगे हम वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में। कुछ कह रहे हैं? वो ठीक है, आपसे मशीन कंपनी कौन सी रिप्लाई हाँ, करती जैसे है? इसमें का आपने वो नाम सुना होगा, दीवान ग्रुप का नाम सुना शायद, दीवान मोटर, दीवान, ये इस तरह की फैमिली है, दीवान ग्रुप जो पूरा है ना, एंग्रो वाले, ये भी शायद तो शेयर था, एंग्रो नहीं, दीवान वाले जो ग्रुप है ना, ये क्या कैन, स्कूल का बजट है, यानी अगर करना चाहे प्राइवेट या पब्लिक में, स्कूल तो आप कह रहे हैं जितना सही कोई एजुकेशन सेक्टर में, तो हाँ अलग सेक्टर में आते, कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे है और बहुत अच्छा है। हो सकता है सिंगल वाले पार्टनरशिप हो सकती है, इसमें नहीं है, कंपनी में नहीं है, अकेले खोल सकते हैं, जैसे ये कॉलेज है, इसका ओनर एक ही है, सिंगल ओनर है, टीएसए पूरा, दो लोग मिलके भी कॉलेज खोल सकते हैं, पार्टनरशिप कहलाएगी, लेकिन कंपनी नहीं होगी, रजिस्टर्ड नहीं। अच्छा, बाकी ये कई सारे टॉपिक्स हमारे कोर्स में हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ेंगे FA1 में, पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे FA2 में, और फिर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हम पढ़ेंगे F3 में डिटेल में जाकर, ये सब के मुताबिक पढ़ेंगे डिटेल में, और ये डिफरेंस भी जो होता है ये सब भी क्लियर हो जाएगा आपको बात। टाइम क्या हो गया है? हाँ चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ब्रेक आपका है 30 मिनट्स का, अपनी अपनी घड़ी में 30 मिनट्स देखकर आ जाइएगा, नहीं 3:30। बात है अपने सब्जेक्ट की तरफ, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जी, कॉमर्स पहले बताएंगे, डेफिनेशन क्या होती है याद है? भूल गए, फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, क्या पढ़ा था याद है कुछ? इसमें यानी रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, और क्या चीज रिकॉर्ड करना? ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, और क्या करते हैं रिकॉर्डिंग? समराइज, एनालाइजिंग, ठीक याद है। अच्छा लिख लें डेफिनेशन पहले इसकी, फिर उससे बात करते हैं। हाँ सब चीजें बिल्कुल सब पढ़ेंगे, कॉमर्स वालों के, साइंस वाले भी हैं तो नहीं पढ़ते, तो कॉमर्स वालों का रिवीजन हो जाएगा, साइंस वाले पढ़ लेंगे के टॉपिक्स, ये तो नया टॉपिक सब पढ़ेंगे, कंट्रोल अकाउंट, सेल्स टैक्स, ये नया टॉपिक, स्टार्ट वहीं से करेंगे, भी जनरल जनरल से स्टार्ट लेंगे। स्ट्रिक्ट बात, लिख लें फिलहाल, तो वैसे भेजता नहीं हूं, दे दूंगा घर जाके लिखेंगे, सेंड कर दूंगा। मिल जाएगी फाइल ग्रुप पे आ जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप।
कॉपी कर रही हो? तो क्या लिखा होता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज कम्युनिकेटेड टू द रेलेवेंट स्टेक होल्डर। अच्छा अकाउंटिंग हम क्या पढ़ेंगे, निकलेगा रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन समराइजेशन किसकी होगी, क्या चीज रिकॉर्ड करेंगे, लिखा हुआ इसका ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इसमें रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन और समराइजेशन किसकी होगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक, तो ये ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन से क्या समझ, बैंक वगैरह भी और कस्टमर्स का डील के लेन बिजनेस देन कैलेंज शॉर्ट में जितना है जितनी तो हमारे कोई चीज अकाउंट खरीदना, कोई चीज बेचना, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाना, विड्रॉ करना, बस प्रॉफिट्स, सब चीजें किसमें आ गई, ट्रांजेक्शन। इन शॉर्ट इसको आप क्या कह सकते हैं, लेन देन भी कह सकते हैं। ठीक, पहले ये लिख लेते हैं ट्रांजेक्शन को, ये लिख। अच्छा, तो ट्रांजेक्शन इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं, गिव एंड टेक या लेन देन। ठीक, तो किसी भी तरह का गिव एंड टेक, लेन देन हो, उसे आप कहेंगे ट्रांजेक्शन। जैसे आपको एक मोबाइल, अभी आप जाएंगे बुक शॉप में, बुक्स खरीदेंगे, उसको तो पेमेंट करेंगे, बुक्स लेकर आ जाएंगे ना, तो ये भी क्या है, लेन देन, गिव एंड टेक हुआ, कैश दे रहे हैं और बुक्स ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, एक ट्रांजेक्शन। घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एक सर्विस मिल रही है आपको, मंथ एंड पे बिल आता है, बिल आप पे करते हैं, तो ये भी क्या है, ट्रांजेक्शन, गिव एंड टेक, लेन देन। मोबाइल में बैलेंस लोड करते हैं, आपको सर्विस मिल जाती है कॉल करने की, एसएमएस करने की, इंटरनेट की, तो ये भी क्या है, गिव एंड टेक, लेन देन। अच्छा, कोई भी चीज आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें कितने ऑप्शंस हैं लेन देन के, किस किस तरह से हो सकता है, कोई भी ट्रांजेक्शन है। जैसे बुक्स आप खरीद रहे हैं, बुक्स खरीदने जाएंगे तो एक ऑप्शन होगा आपके पास कैश पेमेंट कर दें, और सेकंड ऑप्शन उधार पे खरीद लें, कार्ड से खरीद लें। सही है, तो इसमें अब आ जाती है इसके दो टाइप्स, कैश ट्रांजेक्शंस और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। अच्छा, कैश ट्रांजेक्शंस कौन सी होगी, कि जिसमें ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाए। ठीक है, पेमेंट चाहे आप कैश की फॉर्म में करें, चेक के फॉर्म में हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो वो कहलाएंगी कैश ट्रांजेक्शन, और जहां आपकी पेमेंट डिले हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, वो कहलाएंगी क्रेडिट ट्रांजेक्शन या उधार पे। चलिए कॉपी कर लें। हाँ, तो चले गए। अच्छा,
कॉपी कर लिया। अच्छा ये हो गई ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होती है? गारंटी। और ट्रांजेक्शन दो टाइप की हो गई, कैश और क्रेडिट। अच्छा कैश ट्रांजेक्शन क्या होंगे? जहां पर आपकी पेमेंट ऑन द स्पॉट हो जाए ना। अच्छा पेमेंट चाहे कैश के फॉर्म में हो, चेक के फॉर्म में हो, डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, वो सब कैश ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। और जहां आपकी पेमेंट डिले हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, वो कहलाएंगी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसे आप बुक शॉप पे गए, बुक शॉप वाले जानने वाला था, आपने कहा बुक्स लेके जा रहा हूँ, 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो ये कहलाएंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अच्छा वापस आते हैं डेफिनेशन पे। आप क्या था अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ना है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे आप? बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? किन कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया जाता है? किन हेड्स में, किन कैटेगरी में? और एट द एंड समराइज किस तरह किया जाता है? अच्छा रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन तो पूरा साल चलती रहेगी। क्लासिफ समराइजेशन कब होती है? इसकी ईयर एंड पे। तो नॉर्मली ईयर एंड पे हम उनको समराइज करते हैं। और समराइज किस फॉर्म में करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म करेंगे। पूरा साल हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और एट द एंड उसको समराइज करेंगे। और ईयर एंड पे हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे हमें पूरे साल की एक समरी मिल जाती है कि पूरे साल हमारी इनकम कितनी हुई, पूरे साल में एक्सपेंस कितने हुए, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सब चीजें। यानी कि आपको अपनी परफॉर्मेंस और पोजीशन पता चल जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी टाइप के होते हैं? इनके नाम क्या होते हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और अच्छा इंटर में आपने अगर दो ही होते ही है, नहीं वो इसको नहीं आता, अच्छा नहीं अच्छा इंटर में अगर आप नहीं पढ़ते ये, दो ही पढ़ते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इसी ना नाम सुने, इसके अलावा भी होते हैं चेंजेस इन इक्विटी और वो तो बैलेंस शीट हो गई, यहाँ एक ही बात है फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट एक ही बात। ठीक है चल बता देता हूँ, लिख लेते हैं। अच्छा इसके नाम लिख लेते हैं फिलहाल। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनके क्या नाम होते हैं, और बाद में हम वन बाय वन पढ़ेंगे भी कि किस तरह बनाए जाते हैं और क्यों बनाए। तो फिलहाल इनके नाम लिख लेते हैं। अभी लिखे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। हाँ टाइप्स पहले आप इसको, पहला है वही प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन या बैलेंस शीट, के बाद एक और बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और फिर एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और ये लास्ट होता है फिर नोट्स। ये टोटल इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, उनसे मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट। और ये सब कब बनाए जाते हैं? नॉर्मली ईयर एंड पर, जिससे हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस पोजीशन का पता चले। इसमें से फर्स्ट टू स्टेटमेंट जो है ये हम पढ़ेंगे FA1 FA2 में। FA1 FA2 में दो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो बाकी स्टेटमेंट हम बनाएंगे F3 में। ये F3 में
अच्छा अब ये फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स है एफ वन और एफ टू में पढ़ेंगे, बाकी ये सब एफ से निकल पड़े। अच्छा वापस चलते हैं डेफिनेशन पे। अभी जबकि हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, क्लासिफिकेशन हो गई, समराइज कर दिया, ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, कम्युनिकेटेड टू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद स्टेक होल्डर्स को सेंड कर देते हैं। अच्छा उनको सेंड क्यों करते हैं, ताकि वो उनको देखकर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कर सके। अच्छा ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, क्या नाम होते हैं इनके, कुछ आइडिया, स्टेक होल्डर्स जिन्होंने शेयर खरीदे हों, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टर कह लें, इन्वेस्टर हो गए, और डायरेक्टर ठीक है मैनेजमेंट पूरी कह लें, ठीक है, जैसे कंपनी की मैनेजमेंट हो गई, और लेंडर बैंक, हाँ ठीक है, जो लोन प्रोवाइड करें, सही है, और ठीक लिख लेते हैं, सही। अच्छा कौन हो सकते हैं कि इसको डिफाइन अब इस तरह करेंगे, एनी पर्सन हु हैज सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जिसका बिजनेस में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हो, बिजनेस से कुछ ना कुछ लेना देना हो, वो कहलाते हैं सोल ट्रेडर, वो स्टेक होल्डर। अच्छा ये बताए टीएसए की अगर बात करें, आप टीएसए के स्टेक होल्डर हो या नहीं? नहीं नहीं है, मैं एक ही है नहीं है स्टेक होल्डर है, नहीं आप लोग शेयर होल्डर में क्या बताता हूँ। एक अच्छा अभी आपको पता चले कि आज का दिन है, आज तो खैर मंडे है, आपकी संडे को क्लास है सुबह 8 बजे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, झटका लगेगा ना, 440 वोल्ट का। और आपको पता चले कि अगले हफ्ते टीएसए बंद हो रहा है, और फीस तो आपकी रिफंड भी नहीं होगी, तो ट्राई 1000 वोल्ट का झटका लगेगा फिर तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, ठीक है, तो आप इसके टीएसए के स्टेक होल्डर बन गया, सही है। अब आपको यहाँ एक इंटरेस्ट है, यहाँ जो भी एक्टिविटीज होंगी ऐसे देखें, ठीक है, तो उससे आप लोग अफेक्ट होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जिनका बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट हो, कुछ लेना देना हो, या जो बिजनेस के मुताबिक जानना चाहते हो, या जो बिजनेस के डिसीजन से अफेक्ट हो, उन्हें आप कहते हैं स्टेक होल्डर। अच्छा ये कौन कौन हो सकते हैं, किन किन का बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, कौन कौन बिजनेस के मुताबिक जानना चाहता है, कौन कौन है जो बिजनेस के डिसीजन से अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो ओनर आ गया, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका होगा, ओनर का होगा, अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा वही बिजनेस के मुताबिक जानना चाहेगा कि बिजनेस की परफॉर्मेंस पोजिशन क्या है इस वक्त ना, ठीक है। तो पहले तो आ गया ओनर या शेयर होल्डर। अच्छा अगर सोल प्रोप्रेटर है तो सिंगल ओनर होगा, पार्टनरशिप में तो सारे पार्टनर्स हो गए, और कंपनी है तो शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक, कंपनी के ओनर। इसके अलावा जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट का भी इंटरेस्ट होगा ना अपने बिजनेस में, कि वो भी जानना चाहेंगे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस पोजीशन क्या चल रही है, कैसी है, उसी की बेस पे फिर फर्दर डिसीजन लिए जाएंगे। इसके बाद इम्प्लॉयज का इंटरेस्ट हो सकता है, एम्प्लॉयज का बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए बिजनेस चलेगा तो आपकी जॉब भी चलेगी ना, बिजनेस ग्रो करेगा तो आपकी सैलरी भी ग्रो करेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनस मिलेगा, अगर आपका जो बिजनेस है बंद हो जाए तो आपकी जॉब भी खत्म, मिली छुट्टी मिल जाएगी आपको, लंबी छुट्टी, ठीक है। तो एम्प्लॉयज का भी इंटरेस्ट होता है, वो भी बिजनेस के मुताबिक जानना चाहते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस पोजीशन कैसी चल रही है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, इस साल इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस चलेगा तो आपकी जॉब भी चलेगी ना, बिजनेस बंद तो आपकी जॉब भी बंद हो जाएगी।
कंपनी के महिला नहीं क्यों बताएंगे ब्रांच को अपने जो यही ड्राइवर की सफाई करने वाले भी एम्प्लॉई होगा तो क्यों बताएंगे कंपनी सफाई करने वाला तो खैर छोड़, बाकी जो एग्जॉल टेक्नीशियन है ले लें कोई ऐसा ले रहे हैं स्टाफ का कोई क्यों बताएगा कंपनी कमाए। बताएंगे कि बताते हैं। सोल ट्रेडर में नहीं होता ये। अच्छा ये चीज है कि एक चीज और बता दो, जो सोल प्रोवाइडर होते हैं और पार्टनरशिप, उसमें ये जरूरी नहीं होता ठीक है कि आप जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब आप अपने स्टेक होल्डर को दें ठीक है। ये रिक्वायरमेंट किसकी है? कंपनीज के लिए होता है। कंपनी जो होती है ना, जितनी भी कंपनीज हैं पब्लिक लिमिटेड, उनके लिए ये लाजमी है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने स्टेक होल्डर्स को देना होगा। बाकी सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं होता, उनकी मर्जी है दे ना दे। ठीक, कंपनीज के लिए ये मस्त है। के बाद आ जाए एम्प्लॉयज आ गए नेक्स्ट, तो कस्टमर्स का इंटरेस्ट होगा। अच्छी हम बात कर रहे हैं भैया बिजनेस की ना, मतलब एक वो जो तो कस्टमर कौन होता है जो दुकान से चीज खरीद रहा होता है, जैसे किसी शॉप पे आप जाते हैं शॉपिंग कर रहे हैं तो वो आप भी उसके कस्टमर है ना। ये उस कस्टमर की बात नहीं हो रही, एक कंपनी है, कंपनी की बात करते हैं। कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो, अच्छा कंपनी के कस्टमर कौन होंगे, कंपनी किनको सेल करेगी प्रोडक्ट, एक कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग है जैसे, कंपनी इसको या एक इम्पोर्टर है तो होलसेलर को देगी डिस्ट्रीब्यूटर को देगी ना। कंपनी के कस्टमर कौन होंगे, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, या अगर डायरेक्ट वो रिटेलर को सप्लाई कर रही है तो वो रिटेलर उसका कस्टमर होता है। जो पब्लिक है वो इसमें नहीं है, यहाँ कस्टमर का मतलब जनरल पब्लिक नहीं है। तो देखिए कंपनी आपकी, आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है उसका भी इंटरेस्ट होगा आपके बिजनेस में, वो भी आपके बिजनेस को मुतालिक जानना चाहेगा कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पोजिशन कैसी है, फ्यूचर में कंपनी चलेगी नहीं चलेगी क्या होगा ना। क्योंकि आपकी कंपनी चलती रहेगी तो उसकी भी होलसेलिंग चलती रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन चलती रहेगी, कंपनी बंद हो गई तो वो होलसेलर भी बंद हो जाएगा ठीक है। इस तरह से सप्लायर्स हो गए, तो अब आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग है, आप एक रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं किसी सप्लायर से, तो सप्लायर का इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, बल्कि होगा क्योंकि आपको वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। एक तो ये कि अगर आपका बिजनेस चलेगा तो उसकी सप्लाई भी चलती रहेगी, सेकेंड तो ये भी देखना होगा कि आपकी पोजीशन कैसी है, आपको कितना रॉ मटेरियल दिया जाए कि कल को से पेमेंट मिल भी जाए, ये भी वो चेक करेगा ना। एक सप्लायर है, जैसे आप रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं तो उसका भी इंटरेस्ट होगा क्योंकि वो आज आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो कल को से पेमेंट भी तो लेनी है ना आपसे या नहीं, तो वो ये भी तो चेक करेगा ना आपकी पोजिशन इस वक्त कैसी है कि कल को आप पेमेंट दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते, और अगर दे सकते हैं तो कितनी दे सकते हैं ताकि उतना ही आपको स्टॉक रॉ मटेरियल दिया जाए। और सेकेंड ये कि आपकी कंपनी चलेगी तो उसकी सप्लाई भी चलती रहे, तो सप्लायर का भी इंटरेस्ट होगा, वो भी आपके बिजनेस के मुताबिक जानना चाहे। अच्छा लेंडर्स आ गए, वही लेंडर्स में यानी कि कौन होते हैं, फाइनेंस प्रोवाइडर या जिसको कह लें लोन प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली लोन कौन देता है, लोन किससे लेते हैं, बैंक से नॉर्मली लोन लिया जाता है, तो बैंक्स का भी बिजनेस में इंटरेस्ट होगा ना। कि आज आप बैंक आपको आज लोन दे रहे हैं तो वो भी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन चेक करेगा कि आपकी इस बार फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, पहले तो वो देखेगा आपको लोन देना है या नहीं देना ठीक, उसके बाद वो डिसाइड करेगा देना है, अगर है तो कितना लोन देना है कि कल को आप वापस कर सकें, तो बैंक्स का भी इंटरेस्ट होगा। अच्छा गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो सकता है, गवर्नमेंट का होगा टैक्स हाँ, तो गवर्नमेंट में खास जो आपके टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं खास तौर पे उनका इंटरेस्ट होता है क्योंकि तो उन्होंने हर बिजनेस से टैक्स कलेक्ट करना होता है। क्या चीज, हाँ टैक्स डिपार्टमेंट ना, तो हर बिजनेस से गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है, सेल्स टैक्स इनकम टैक्स राइट, तो अब कहाँ से कितना टैक्स आएगा तो वो उनको कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख करके, इस बिजनेस की इनकम कितनी है, इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे कितना टैक्स आएगा। ये हो गए स्टेक होल्डर जिनका बिजनेस में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, ये कॉपी कर लें।
कॉपी कर लिया। और फिर तभी डेफिनेशन होगी कंप्लीट, तो अकाउंट संख्या पढ़ेंगे कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, और एट दी एंड समराइज किस तरह करते हैं। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी आगे। इसके बाद अब लिखें जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उनका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओवरऑल जो हमने लिखे ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हमारे। लेकिन वैसे तो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक डिफरेंट पर्पस है, तब हम पढ़ेंगे आगे। एक ओवरऑल पर्पस की बात की जाए तो क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक ओवरऑल पर्पस क्या है, कंपनी का। हाँ, जिससे हमें कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की पोजिशन पता चल कि आपकी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त क्या है। तो ये भी नोट कर लें, ये लिखें ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हम बात कर रहे हैं ओवरऑल बात करेंगे, ये भी लिखिए। क्या देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज यूजफुल टू अ वाइड रेंज ऑफ यूजर इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इनसे हमें कंपनी के फाइनेंशियल पोजिशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है, जिसकी बेस पर फिर हम फर्दर डिसीजन लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, आगे भी टर्म यूज होगी, ये लिखा है इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक डिसीजन, डिसीजन भी तो लिख सकते थे ना सर, इकोनॉमिक डिसीजन का यहाँ क्या मतलब। वैसे तो एक इकोनॉमिक्स होती है जो आप पढ़कर आए, तो जेब पे भारी ना जो जेब पे भारी ना हो, नहीं सर, वो यानी मतलब नहीं है फ्यूचर इकोनॉमिक्स, कहाँ तक देखना नहीं। सर, एक कंपनी की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की होती है तो कंपनी गिर जाएगी तो अच्छा नहीं ये वो मतलब नहीं, ये वो वाली इकोनॉमी नहीं है हमारी। यहाँ किस टाइप की डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब सर कोई कोई कैसे कितना का, हाँ सही। लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है, वैसे तो इकोनॉमिक्स के मीनिंग और भी कई होते हैं, यहाँ इसका मतलब है मॉनेटरी डिसीजंस। ठीक है, यहाँ इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब मॉनेटरी डिसीजंस। जैसे कि आप एक किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब आपने ये देखना है कि भाई यहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए, या इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए। तो ये जो डिसीजन आप लेंगे इसे कहेंगे इकोनॉमिक डिसीजन। एक कस्टमर है, उसको आपने गुड्स सप्लाई करनी है, तो उसको गुड्स सप्लाई करें या ना करें, और अगर गुड्स सप्लाई करनी है तो कितने तक की गुड्स हैं कि कल को पैसे मिल जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक डिसीजन। तो इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब है मॉनेटरी डिसीजन। ठीक है, जैसे बैंक की बात करें, अब बैंक ने देखना है कि एक बिजनेस को लोन देना है, बैंक पहले क्या करेगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा इसको लोन देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो कितना देना है, ये क्या कहलाएगा, एक इकोनॉमिक डिसीजन, मॉनेटरी डिसीजन कहते हैं। तो ये चीज ज्यादा ठीक है, टर्म आगे कई जगह यूज होगी। नहीं सर, इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब है मॉनेटरी डिसीजन। अब ये कोई भी ले सकता है, जैसे आपने देखे एसीसी में अभी एडमिशन लिया, तो यहाँ भी आपने देखा होगा ना फीस कितनी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिर आपने डिसाइड किया हाँ ठीक है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने एडमिशन
ले लिया, तो ये भी एक मॉनेटरी डिसीजन था। मौत तो ये कोई भी ले सकता है, सबके लिए, मतलब तो फ्लैंडर के लिए, सबके लिए। जैसे आपका एक बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट्स करें, अब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करके आगे सेल करेंगे होलसेलर को, आप किसको आपने सेल करना है किसको नहीं करना, ये पहले आप डिसाइड करेंगे ना। और फिर आप ये देखेंगे किसको अगर सप्लाई देनी है तो कितने तक के सप्लाई करें कि कल को आपको पेमेंट मिल जाए, तो ये भी क्या एक इकोनॉमिक डिसीजन है। जी कॉपी कर लियो। अच्छा, ये हो गया एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इसके बाद अब आते हैं, अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अच्छा, इनको हम हेड्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, पिलर्स ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। एक है एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम या रेवेन्यू, और लाइबिलिटीज, कैपिटल या इक्विटी। ठीक, टोटल ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं या जिन पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस कर, या इन्हीं पे हमारी पूरी अकाउंटिंग बेस कर रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम पिलर्स ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं। इन्हीं को हमें पढ़ना है कि इनकी रिकॉर्डिंग के लिए क्या होते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग किस तरह की जाती है, क्लासिफिकेशन, फिर समराइजेशन किस तरह होती है। यानी कि पूरी अकाउंटिंग हमारी इन 5 एलिमेंट्स पर बेस करिए। इन्हीं को हमें पढ़ना है कि क्या होते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन किस तरह की जाती है। इसलिए इसको हम पिलर्स ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इन 5 पे हमारी अकाउंटिंग बेस कर रही है। कॉपी कर लिया। अब इसको वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एसेट से, रह गए चलिए, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं डिटेल में। स्टार्ट करते हैं एसेट्स से। एसेट्स क्या होते हैं? अतासे, अतासे क्या होते हैं? एसेट्स, अरे दोनों क्या होते हैं? अब ये बताएं करंट एसेट्स क्या होते हैं, पहले एसेट बताना। ये तो टाइप हो गई, तो ये एसेट है और ये शेयर एसेट है। ठीक है, आपने कोई भी चीज ऑफिस पैसे आपके हर एक आपके पास बिजनेस में हर एक चीज जो आप ओन कर रहे हैं वो आपका एसेट है। फॉर एग्जाम्पल टेबल हो गया, आपके टेबल हो पास गए, फर्नीचर मतलब, और लैंड, मर्चेंडाइज, इक्विपमेंट, मशीनरी। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉमर्स वाले। साइंस वाले बताएंगे कुछ? नहीं, लाइबिलिटी क्यों है? लाइबिलिटी होती क्या है? हो गई। नहीं नहीं राणा, पहले तो था ना, पहले तो था, उस वक्त था नहीं था जब खरीदा था? क्यों, उस वक्त क्या था? आज आपने एक मशीन खरीदी, आज आज क्या है वो? क्यों?
दोस्तों हो गया ना, आज आपने मशीन खरीदी उससे आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो इनकम आएगी ना। फिर मशीन खरीदेंगे तो कोई मैन्युफैक्चर करेंगे ना, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो पहले आपको मशीन खरीदना पड़ेगी, फिर रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उस मशीन को चलाएंगे, रॉ मटेरियल डालेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट बेचेंगे, फिर इनकम आएगी। तो मशीन फायदा तो आपको देगी, देगी ना फायदा, ठीक है। जैसे गाड़ी खरीदी है आपने, अब आपने उसको कहाँ करीम में चला रहे हैं, आज गाड़ी खरीदी, फिर आप उसको चलाना शुरू किया तो इनकम आएगी। करीम में आप चला रहे हैं गाड़ी को, फायदा होगा नहीं होगा, इनकम नहीं होगी क्या मतलब बता। यहाँ पे करीम में आपने गाड़ी खरीदी और करीम में रजिस्टर करवाया, तो आप करीम चला रहे हैं, रोजाना कस्टमर को उठाएंगे छोड़कर आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे आएंगे पहले वाला नहीं आएंगे, इनकम तो होगी ना। हाँ फिर वो खराब भी होगी, फिर उस पर खर्चा करेंगे रिपेयर, वो एक्सपेंस होगा, वो एक्सपेंस होगा। वो एक्सपेंस हुआ ना, खत्म थोड़ी हुई। गाड़ी खराब होती तो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं या रिपेयर करवाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं बस। तो एसेट तो अपनी जगह मौजूद है ना, उसको चलाने के लिए आपको एक्सपेंस करना पड़ रहा है, वो एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस होगा। फातिया पढ़ लेंगे फिर नहीं रहेगा ना, जब तक नहीं गिरेगी तब तक क्या है। अब ये बिल्डिंग है, इसको तो 60-70 साल पुरानी हो गई है, अभी तक तो एसेट है ना, जिस दिन गिर जाएगी उस दिन एसेट नहीं रहेगा, फिर उस दिन नहीं रहेगा ना, अभी तक तो है। गाड़ी चोरी हो जाए, चले पहाड़ पे ले जाके गिरा गिर रहे, गाड़ी चोरी हो गई, चोरी भी तो दी है ना, वो तो एक अलग चीज है ना, चोरी हो जाए गिर जाए जल जाए वो तो अलग है, जब तक है तब तक क्या है, एसिड है, तब तक तो एसिड है। हाँ बिल्कुल होती है, तभी तो अभी पहले एसिड को समझ लो होता क्या है ना, फिर टाइप पर आएंगे। राइट, तो एसिड क्या क्या होते हैं, जो चीज आप ओन कर रहे हैं वो आपका एसिड है, जैसे लैंड हो गई, आपका घर है, घर आपका एसिड है, नहीं है एसेट है, आपके घर में गाड़ी अगर है बाइक है तो वो क्या आपके एसेट है, और आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या है, एसेट। आप भी अपने पेरेंट के एक एसेट है, कुछ एसेट है, ठीक है। अभी वो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को फिर आपसे बेनिफिट भी तो मिलेगा ना कुछ, या नहीं देंगे, अभी ठीक तो फिलहाल लायबिलिटी है, आपको पढ़ाना है सिखाना है आपको बड़ा करना है, फिर आप फिर बेनिफिट लेंगे, ऐसे ही होता है, सही है ना, ये तो एक सिस्टम है। राइट, अच्छा तो एसेट, अच्छा एसेट क्या होगा, जो भी चीज आप ओन कर रहे हैं, और ओन किस लिए करते हैं, एसेट खरीदते क्यों है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर क्यों खरीदते हैं, बिजनेस के बाद ताकि उसको यूज करें और फिर उससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो एक्सपेंड हो, उससे बेनिफिट मिले ना। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या, एक मशीन खरीदेंगे तो उसको चलाएंगे प्रोडक्ट बनाएंगे बेचेंगे, आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। ठीक, क्या हो पाकिस्तान, अच्छा इसकी ये डेफिनेशन क्या बनेगी, ठीक है इसको क्या डिफाइन करते हैं, रिसोर्सेज ओन और कंट्रोल बाय द बिजनेस फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो टुवर्ड्स द बिजनेस। देखिए किसी भी टाइप का, इसको समझाता हूँ, रिसोर्सेज क्या होती हैं, कि किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी टाइप की ओनरशिप हो आपकी, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रन करने के लिए कुछ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होती हैं आपको, जिनको यूज करते हुए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे, तो किन किन रिसोर्सेस की जरूरत हो सकती है, कैश कैश की जरूरत होगी सबसे पहले, लैंड बिल्डिंग हो सकती है, दुकान मशीनरी की जरूरत हो सकती है अगर मैन्युफैक्चरिंग है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, मर्चेंडाइज हो गई, इक्विपमेंट हो गई, कंप्यूटर की जरूरत पड़ सकती है, एसी की जरूरत हो सकती है, तो ये सब के आपके रिसोर्सेज हैं कि जिनको यूज करते हुए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको रन करते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस फ्रॉम विच
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो टूवर्ड्स द बिजनेस। सभी एसेट हम बाय किस लिए करते हैं, ताकि फ्यूचर में फायदा ले सके, बेनिफिट ले सके ना। अच्छा, जो बेनिफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में वो किस फॉर्म में चाहिए होगा आपको? प्रॉफिट किस फॉर्म में चाहिए होगा, कैश के फॉर्म में, दुआओं के फॉर्म में? दोनों कैश के फॉर्म में ना, राइट। तो यहाँ इसीलिए यहाँ भी देखिए टर्म क्या यूज हो रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब बेनिफिट जो मिलेगा वो किस फॉर्म में हो, इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी फॉर्म में। ठीक है, तो ठीक है, तो बैंक मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, ना कि सिर्फ दुआएं मिले आप। सही, राइट। अच्छा, तो ये हो गई, ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई एसेट। अच्छा, एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल क्या हो सकती है, कैश हो गया, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, मर्चेंडाइज, ये सब के आपके एसेट्स होते हैं, ठीक एसेट है। ठीक है, अच्छा, अब जो जितने भी एसेट्स हैं हमारे, इन एसेट्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। हाँ, एसेट्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। अब वो कौन कौन सी होती है? करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, या फिक्स एसेट भी कहते हैं। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, तो नॉन करंट एसेट को फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। लैंड हो गया। सही। अच्छा, डिफरेंस क्या है दोनों में, करंट और नॉन करंट में? करंट एसेट्स वो एसेट्स होंगे जो विद इन 1 ईयर यूज हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए, या कैश में कन्वर्ट, इन शॉर्ट क्या लेंगे, जिनकी लाइफ 1 साल तक, मैं बताता हूँ भी। और नॉन करेंट एसेट जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर। अच्छा, एक जैसे आप बात करें कैश की, आपके पास कैश है, कैश एसेट है। अच्छा, कैश आपके पास है तो कितने टाइम में यूज हो जाता है, 1 साल के अंदर यूज हो जाएगा ना। अब उसको यूज करेंगे, फिर दोबारा कैश आ जाएगा, फिर वो यूज हो जाएगा, फिर कैश आ जाएगा, तो ये तो साइकिल चलती रहती है ना। कैश आप लेकर आए, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, फिर कुछ चीजें खरीदी, फिर उनको सेल किया, फिर पैसे आ गए, फिर कुछ परचेजिंग की, फिर कैश आ गया। तो कैश के आपका साल में कई बार यूज हो जाता है, बैंक बैलेंस हो गया आपका। सर एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाऊंगा। सर नॉन करेंट एसेट में जैसे कि बिल्डिंग की बात करें, ये बिल्डिंग हमने खरीदी कितने साल चलेगी, सालों चलेगी, 60-70 साल तो हो गए, चली रही है, ये आपके लिए क्या है, नॉन करेंट एसेट हुआ। ये फर्नीचर रखा हुआ है, टेबल चेयर, ये कई साल चलती है, तो ये आपके लिए क्या है, नॉन करेंट एसेट है। गाड़ी हो गई आपके पास, सालों चलती है, वो क्या है, नॉन करेंट। ये लिखे हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं, फिर उसको बात करेंगे। सिंपल डेफिनेशन है कि जो, अच्छा यहाँ एक और चीज तो देखिए लिखा है कि विल बी यूज्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश। कन्वर्ट इनटू कैश का मतलब कि उसके अगेंस्ट आपको कैश मिल जाए, कैश या चेक, एक ही बात, यूज हो जाए या उसके अगेंस्ट आपको कैश मिल जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। कॉपी कर लिया। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। अच्छा, करंट एसेट के एग्जाम्पल लिख लें। करंट
कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, इसका दूसरा नाम डेटर्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और प्री पेमेंट। एक प्रीपेड कनेक्शन होता है ना मोबाइल, प्रीपेड सिम, प्री पेमेंट, एडवांस पेमेंट को कहते हैं। जैसे यहाँ आपने टीएसए में फीस पे की एडवांस, तो ये कहलाती है प्री पेमेंट, एडवांस पेमेंट।